तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां से देखने वाले त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11 का राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सॉल्यूशन को। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि कक्षा 11 का आपका राजनीति का पेपर कैसा होगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा यहां से आप सभी को ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन बताए जाएंगे और उसका फुल सॉल्यूशन यहां से आपको दिया जाएगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा होगा और आप सभी को इसका सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। यहाँ से आप सभी लोग देख सकते हो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11 के आपके राजनीति शास्त्र विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सभी लोग अपनी परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सके। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कुछ इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा, त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं का राजनीति का, और इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का और यहाँ से पूर्णांक होगा आपका 80 नंबर का। तो देखिएगा यहाँ पर आपको निर्देश दिए जाएंगे, तो आप सभी लोगों को इन निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को, जिससे कि आप सभी को पूरा क्वेश्चन पेपर भी समझ में आ जाए और इसका फुल सॉल्यूशन भी आपको समझ में आ जाए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा, आप सभी लोग यहां से इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। पहला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहले नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका उत्तर यह आ जाएगा 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मूलाधिकारों की सूची से हटाया गया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 12 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, संपत्ति का अधिकार। तो ये इसका राइट आंसर होगा, यहाँ से आप लोग इसे देख लें। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि लिखा है, निम्नांकित में से किस विद्वान ने नौकरशाही को मेज का शासन कहकर संबोधित किया। तो देखिएगा 6 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, आप सभी लोग यहाँ से देख लेंगे, इसका उत्तर होगा फाइनर ने किया था। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सरकारी आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। तो देखिएगा 10 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, 1983 में इसे गठित किया गया था। तो यहाँ से ये लिख लें। और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, क्या लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिस प्रकार का न्याय प्रदान किया गया वह है। तो देखिएगा 11 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी। यहाँ से आप लोग इसे नोट कर लें। और इसके बाद में 12 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, वे अधिकार जिनका देश के संविधान में उल्लेख किया जाए तथा जिनका अतिक्रमण अथवा हनन होने पर व्यक्ति न्यायपालिका की शरण ले कहलाते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इनको क्या कहते हैं, 12 नंबर का जो क्वेश्चन होगा ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आपका आ जाएगा, इन्हें कहते हैं मौलिक अधिकार। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सभी लोग इनको कंप्लीट कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन ये लिखा देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी, तो आप सभी लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति अच्छे से कर लेंगे। पहला रिक्त स्थान देखते हैं क्या लिखा है, ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो देखिएगा संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था, तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो इस जगह पर आपको मुस्लिम लीग लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें कहा जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उनको कहते हैं मतदाता, यहाँ से आपको ये लिख लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, सामान्यतया लोकसभा का कार्यकाल वर्ष का होता है। तो देखिएगा सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल जो होता है ना 5 वर्ष का होता है, कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, ग्राम स्तर पर पंचायत होती है। तो देखिएगा 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम स्तर पर कौन सी पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है। अब इसके बाद में 5वां क्वेश्चन देखते हैं, लेनिन स्टालिन तथा कार्ल मार्क्स का संबंध राजनीतिक सिद्धांत से है। तो देखिएगा 5वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा मार्क्सवादी, किससे है, यहाँ से लिख लें आप लोग, मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांत से, आप लोग ऐसे लिख लें इसको। और उसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, को अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आ जाएगा नागरिकों को अधिकारों के साथ साथ में कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, नकारात्मक धरातल पर का अभावी शांति है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या होगा, नकारात्मक धरातल पर हिंसा का अभावी शांति है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जोड़ी देखने को मिलेगी, तो आप सभी लोग यहां से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले का जोड़ी का मिलान समझते हैं, पहले नंबर पर जो दिया गया ना प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आपको 4 नंबर से कर लेना है। और उसके अलावा 2 नंबर पर जो लिखा है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर लें। और उसके बाद में 7 नंबर की जो जोड़ी लिखी है ना, इसकी जोड़ी का मिलान आप लोग इससे कर लेंगे। और उसके बाद में 10 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसकी जोड़ का मिलान इससे कर लें। और उसके बाद में 11 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है ना, इसकी जोड़ का मिलान इससे कर लें और इसका इससे कर लें। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को जोड़ी का मिलान पूरा कंप्लीट कर लेना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है।
तो आप सभी लोग प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से जोड़ी का मिलान कर लें। और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होना तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लो। तो देखिएगा, आप इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे इसको। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा है, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को कौन क्रियान्वित करता है? तो देखिएगा दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया ना, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना, कार्यपालिका। कौन क्रियान्वित करता है? कार्यपालिका क्रियान्वित करती है। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिएगा तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना, उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ से ये लिख लेना है। अब इसके बाद में चौथा क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे की धारणा का विकास किस मुकदमे से हुआ? तो देखिएगा ये जो चौथे नंबर का क्वेश्चन दिया गया ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर क्या आ जाएगा, स्वामी केशवानंद भारती। तो देखिएगा इसका उत्तर आप लोगों को लिख लेना है, स्वामी केशवानंद भारती। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, केशवा और इसके बाद में नंद भारती मुकदमे से हुआ था। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है, कुछ देशों में सकारात्मक कार्यवाही को किस क्षमता को बढ़ाने के लिए अपनाया जाता है? पाँच नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या जाएगा, यहाँ से आप सभी लोग देख लेंगे, यहाँ से आप सभी लोग इन क्वेश्चन को देख सके, इसमें इसका उत्तर होगा अवसरों की समानता। तो यहाँ से आप लोग लिख ले, अवसरों की समानता इसका उत्तर होगा। तो यहाँ से आप लोग ये लिख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा ना, कुछ लोग जनसाधारण के लिए किसे अफीम की संज्ञा देते हैं? तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आ जाएगा धर्म को। कुछ लोग जनसाधारण जो है ना, धर्म को अफीम की संज्ञा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, मुक्त बाजार समझौते का एक अवगुण लिखिए। तो देखिएगा सातवें नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर आ जाएगा, ये समझौता श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन एवं शोषण करता है। ये इसका उत्तर होगा। अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पाँच को, जिसमें कि लिखा है, निम्नलिखित में सत्य या असत्य में उत्तर दीजिए। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी को इनके सत्य या असत्य में उत्तर देने। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को सात मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो देखिएगा पूरी तरह से यह असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नौकरशाही वे संगठन है जो प्रशासन के लिए अधिकतम कुशलता लाता है। तो देखिएगा ये भी आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्याय उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय की संज्ञा नहीं दी जा सकती। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा ये भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धर्म तथा राज्य परस्पर एक दूसरे से संबद्ध होने चाहिए। तो देखिएगा चौथे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा ना प्यारे विद्यार्थियों, ये भी आपका असत्य होगा। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं, समानता तथा सामाजिक न्याय परस्पर विरोधी है। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं, भारत में धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान किया जाता। तो देखिएगा प्यार विद्यार्थी, ये भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। तो देखिएगा यहाँ तक का पेपर मैंने आपको पूरा बता दिया। अब इसके बाद में बाकी के क्वेश्चन ये लिखे हैं, आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर छः ये लिखा है, सात ये लिखा है, आठ ये लिखा है। तो बहुत ही जल्दी मैं आप सभी को आपका जो पेपर है ना पूरा, इसका फुल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो आप सभी लोग यहाँ तक का देख लें। अब इसके बाद में आपको मैं बहुत ही जल्दी पूरा का पूरा जो पेपर होगा ना, इसका फुल सॉल्यूशन दूंगा। एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका बाहर नहीं जाएगा। तब तक आप लोग इतना पेपर अच्छे से कंप्लीट कर लें। देखिएगा पूरा का पूरा पेपर आपका प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार का पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ से बताया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।